जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जेके डिफेंस कैंप पर फिर से एक नई वीडियो में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है किशनगंज में जो बीएसएफ ट्रेडमेंट का हो रहा है, हर सेंटर पे जो बहाली हो रही है, कहीं ना कहीं से मेरे को दोस्त मिल जाते हैं और मैं उन लोगों से बात करके आप सभी को जो भी नोटिफिकेशन देना है या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन देना है मैं आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आउटडोर में होने के बावजूद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो मतलब आप सभी के पास पहुँचे। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे को सडनली एक मनीष नाम के दोस्त मिले हैं। उनका आज स्वीपर का था, बीएसएफ ट्रेडमेंट में किशनगंज सेंटर है उनका, ठीक है। आज का जो रिपोर्टिंग टाइम था, क्या उनको डॉक्यूमेंट लगा, कैसे उनका फिजिकल हुआ और क्या क्या के पूछा गया स्वीपर में, जो भी ट्रेड से संबंधित जानकारी होगा आप सभी को जरूर बताएंगे वो, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसमें सुनिएगा कि वो क्या क्या बताए हैं, उस चीज़ को आपको फॉलो करना है, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि स्वीपर में क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है। हालांकि जो डॉक्यूमेंट लग रहा है सबके लिए एक ही प्रोसेस है, टाइमिंग जो प्रोसेस है एक ही है ना, जो है अलग सिर्फ वो ट्रेड को लेकर है। सो फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप समझ गए। दूसरी बात, जो मैंने पोल किया था उसमें काफ़ी सारे लोग ने वोट किया है और कहा है अक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए। उसमें 15 से 20 प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं एग्जाम से पहले तक 100 प्रैक्टिस सेट आप सभी को करवा दूंगा, ठीक है। 9 अगस्त से आप सभी तैयार रहिएगा। उसमें क्या होगा कि 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके, 25 हिंदी होगा, इंग्लिश भी होगा 25 का, लेकिन ऑप्शनल होगा, एक ही यूज करना है उसको, ठीक है। यानी या तो आप इंग्लिश टच कीजिए या फिर हिंदी टच कीजिए, ठीक है। रही बात आपकी मैथ रीजनिंग की, तो मैथ रीजनिंग प्रति सेट जो होगा अक्षु पब्लिकेशन का, स्पार्क का, यूनिक का, अदर किरण का, अदर जो भी पब्लिकेशन मार्केट में आएगा सारे पब्लिकेशन को मैं यहाँ सॉल्व करवाऊँगा। तो 9 अगस्त से आप सभी स्टार्ट रहिएगा। उसमें जो भी पब्लिकेशन का करवाया जाएगा उसमें आप सभी को ध्यान से पढ़ना है, पीडीएफ दे दिया जाएगा, सॉल्यूशन मेरे द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, सुनिएगा उसमें क्या बताया गया। जय हिंद। कैसा गया आपका फिजिकल आज का? बढ़िया गया था, 45 निकले हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जेके डिफेंस कैंपस पे। कह रहे हैं कि क्या ट्रेड था आपका, स्वीपर था ना? स्वीपर था मेरा। हाँ, तो क्या प्रोसेस रहा जरा बताइए हमारे सारे दर्शकों को, आपका वॉइस रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चढ़ाया जाएगा। ओके सर। सर पहले तो स्मार्ट पड़ेगा और मैं छपरा का रहने वाला हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मेरा सर आज फिजिकल था किशनगंज में। अच्छा, बिहार की फिजिकल था। जो मेरा टाइमिंग था, जो रिपोर्टिंग टाइम था, वो 5 बजे का था सर। अच्छा अच्छा, तो स्टार्टिंग तो 5 बजे का हम लोग का हो गया है, जिसमें से हम लोग को लाइन में लगाया गया है। अच्छा, और आपके पास ये आधार कार्ड या कोई आपके पास डॉक्यूमेंट हो जिसे फोटो लगा हुआ, उसको एंट्री दिया जा रहा था। अच्छा, आईडी कार्ड में क्या क्या लिया जा रहा है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आपके पास जो कार्ड है आप लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लग रहा है? डॉक्यूमेंट में 11th और 12th का सर मार्कशीट और एडमिट कार्ड और जो जो 3 साल का मिलता है सर। अच्छा, सर्टिफिकेट। अच्छा, और इसमें डेट सर्टिफिकेट भी लग रहा है ना? सभी सर, डेट सर्टिफिकेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर, जो डेट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो डेट सर्टिफिकेट में काफी सारे बच्चे भी छट रहे हैं, सुनने में आ रहा है। जी सर, हमारे मेरा ग्रुप 95 का ग्रुप बना था सर। अच्छा, 95 के ग्रुप में मेरा सर 80 लड़के पास हुए हैं, जिसमें टेट में जाकर छट गए हैं। करीब 35-36 लड़के सर छटे हैं केवल टेट में जाकर सर्टिफिकेट के बिना। अच्छा अच्छा, तो टेट जो सर्टिफिकेट है काफी इम्पोर्टेंट है ना? यस सर। अच्छा, अब रही बात जो ट्रेड की, तो ट्रेड में आपका कैसा प्रोसेस रहा, कैसा पूछा जा रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है? जी सर, 3-4 केमिकल को रखा जा रहा है आपके सामने। हाँ, जैसे हार्पिक हो गया। हाँ, और वाटर प्रूफ हो गया सर, उसको हाँ, रखा जा रहा है, जादू रखा जा रहा है। वहाँ से सर बोल रहे हैं कि ये चीज लेकर आओ, आपको चूज करके उसमें से उठा कर लाना है, जो आपको ये बाथरूम के लिए, क्लीनिंग के लिए और ये ब्लीचिंग पाउडर वगैरह हो गया, वो सब उठाने के लिए दे रहे हैं। अच्छा, और उस हिसाब से एक बच्चे पे कितना वक्त दे रहे हैं वो लोग? 10 से 15 मिनट। जी सर, 10 से 15 मिनट दे रहे हैं। एक लड़के के एक बार में नहीं उठाया जा रहा है, एक बार में 5 लड़के को उठाया जा रहा है। अच्छा, उस 5 लड़के को बुलाकर किया जा रहा है। अच्छा अच्छा, यस सर। पूरा ओवर टाइम कितना लग जा रहा है, मतलब एंट्री करने से लेकर और आउट होने तक? सर पहले तो फिजिकल के लिए तैयार किया जा रहा है, जो करीब 7 बजे करीब स्टार्टिंग हो जा रहा है। अच्छा अच्छा, सुनने में आ रहा है कि उस पे जो नोटिस पे लिखा हुआ है
कि आप एक से दो दिन तक तीन दिन तक तैयार होके आइएगा, तो ऐसा तो नहीं है ना, एक दिन में सारा क्लियर हो जा रहा है ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, आपको दो से तीन बजे तक रिटर्न आपको छोड़ दिया जा रहा है। पूरी क्वालिफाई करके जो आपका टेस्ट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सब जो कर कर छोड़ दिया जा रहा है। अच्छा सर, चलिए। और कुछ ऐसा कुछ न्यूज हो, ऐसा कोई बात हो जो आप बताना चाहें? सर सबसे पहले तो सर मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो सर्टिफिकेट है सर, जो टेट सर्टिफिकेट है उसे सर ध्यान देने की बात है। अच्छा, फोटो वगैरह भी सब लग रहा है ना? जी सर। अच्छा, फोटो वगैरह ले जाना। अच्छा, जेरॉक्स कॉपी जो लेकर जाना है डॉक्यूमेंट का, एक सेट ले जाना है दो तीन सेट करके लेके जाना है? तीन सेट लेकर जाना है, ऐसा तो दो सेट ही लगा रहे, तीन सेट अपने पास रखें तो वो स्टूडेंट के लिए बेहतरीन रहेगा। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। चलिए, इतना जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ऐसे आप लोग और कोई अगर ग्रुप में हो, जैसे कि अगर अगला दिन अगर किन्हीं का हो तो भी संपर्क कीजिएगा, ताकि सभी को हम ऐसा बता सके। ऐसे आप ही लोग हेल्प कीजिएगा तो सभी को हम बता सकेंगे कि हाँ आज का फीडबैक कैसा रहा किशनगंज का या फिर अदर किसी भी सेंटर का, है ना? यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मनीष जी। ओके सर, थैंक यू। जय सर।